सो दोस्तों, अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूं आप अपने Realme डिवाइस में जो है यहां पे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यहां पे स्कैन कैसे कर सकते हैं। यहां पे अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को स्कैन करना है तो यहां पे मैं पूरा फीचर बताने वाला हूं विदाउट एप्लीकेशन को ऐड करे हुए आप अपने Realme फ़ोन में जो है यहां पे डॉक्यूमेंट को जो है स्कैन कर सकते हैं। ये फीचर आपको ऑफिशियली जो है अपने डिवाइस में जो है देखने को मिल गया है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ इसी फीचर के बारे में, कैसे आपको यूज़ करना है और कहाँ पे ये जो फीचर है वो मिलता है और डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करना है। यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आप अपने Realme डिवाइस में कैसे यहाँ पे जो है टेक्स्ट को जो है डॉक्यूमेंट को जो है स्कैन कर पाएंगे। काफ़ी अच्छा मेथड है जो कि आपको इस Realme डिवाइस में मिल जाता है देखने को एंड ऐसे में आपको यहाँ पे एक्सटर्नल कोई भी एप्लीकेशन या फिर APK फाइल को यहाँ पे इंस्टॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरनली ये फीचर जो है दे दिया गया ऑफिशियली तरीके से। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कैसे आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। इसके लिए सिंपली आपको अपने डिवाइस का कैमरा जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। कैमरा ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट ये देख सकते हैं यहाँ पर टेक्स्ट स्कैनर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको ये नहीं भी मिलता है तो डायरेक्ट आप जो है यहाँ पे जैसे ही कैमरा ओपन करेंगे तो यहाँ पे कैमरा आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आप साइड में देख सकते हैं आपके उसमें कई तरीके के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको मोर वाले ऑप्शन में चले आना है, ठीक है। मोर वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है टेक्स्ट स्कैनर, इस पर सिंपली टैप कर देना है। आप देख सकते हैं इसको जैसे टैप कर लिया आप यहाँ पे, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट जो है एक स्कैन करके आपको दिखवा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, फाइनली हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को जो है यहाँ पे सामने रख लिया, ठीक है। अब चलिए मैं बताता हूँ, जैसे आप टेक्स्ट स्कैनर पर जैसे यहाँ पे टैप करेंगे तो ये आपको कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी चाहिए होगी तो आप मस्ट भी जब भी आप यहाँ पे कैप्चर करें अपने यहाँ पे टेक्स्ट को तो आपको इसको जो है कहीं बाहर जो है कैप्चर कर लेना है, मतलब कहीं जहाँ पे जो कि अच्छा आपको विजिबिलिटी मिलती हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है टेक्स्ट को स्कैन कर रहा हूँ, देखिए प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट भी जो है यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर ऑब्जेक्ट लेना चाहूँ तो वो भी ले सकते हो, देख सकते हैं जैसे मैंने प्रॉपर ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देख सकते हैं खाली इसने थोड़ा सा वो जो ब्लैक कलर का जो ऑप्शन था उसको यहाँ पे इसने स्कैन किया हुआ है, देख सकते हैं खाली उतना ही स्कैन किया हुआ है। और इस तरीके से आप पूरे डॉक्यूमेंट को भी जो स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं आपको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ इसके लिए लाइटिंग आपके लिए बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप जिस तरीके की यहाँ पर लाइटिंग रखेंगे उसके हिसाब से जो यहाँ पर होगा, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं ये आ गया और कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमारा स्कैन हो चुका है, ठीक है। जैसे हम इस पर टैप करते हैं देख सकते हैं मतलब अभी विजिबिलिटी थोड़ी लो है, इस वजह से थोड़ा फोकस वगैरह कम आ रहा है। अगर इस प्रोसेस को आप जो मतलब कहीं जो अच्छा विजिबिलिटी वाला एरिया है वहाँ पे अगर आप टेक्स्ट को स्कैन करते हैं तो मे बी आपके डिवाइस में काफ़ी अच्छा एक यूनिक जो है यहाँ पे स्कैन होकर जितना भी फंक्शन है वो मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन होकर आने वाला है, तो ये चीज़ आपको जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट जो स्कैन करना है। आप चाहें तो प्रॉपर किसी भी एक तरीके को भी स्कैन करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं और चाहें तो आप जो है यहाँ पे प्रॉपर सभी कुछ जो है यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है। आपको कैमरे के एंगल को भी देखना पड़ेगा किस तरीके का कैमरे का एंगल है, उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है फोटो या फिर पिक्चर जो है यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी आ चुका है, तो इस तरीके से जहाँ पे ये आए वहाँ पे आपको रख के जो डॉक्यूमेंट को जो है सिंपल स्कैन कर लेना है। तो दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूँ आपको ये इस वीडियो के थ्रू मैंने यहाँ पे पूरी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है स्कैन को लेकर वो आपको वीडियो जो है पसंद आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड है, आप उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।